वेलकम फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा ये क्लास चली थी और हमने आपको दिखाया था कि ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी आपको बताना है, और समतुल्य भिन्न क्या होती है इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो आपने क्लास को ज्वाइन किया है इस वजह से आप इस क्लास को देख पा रहे हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्न है, इसलिए हमने इसको उस क्लास में छोड़ दिया था जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे। देखिए, जैसे आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए या बहुत जगह अक्सर काम लगता है, आपके एग्जाम में कंपटीशन में आता है 2/7 के समतुल्य भिन्न है। अक्सर मैंने देखा है ये सीटेट से लेकर के एसएससी यूपीएससी की परीक्षा तक में आया है, 2/7 के समतुल्य भिन्न है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और फिर हम आपको बताते हैं फिर कैसे क्या होता है। जल्दी से बताओ, तुरंत देखते हैं कौन कौन बता ले जाता है, कोशिश करना है बस। आ गया सभी का आंसर, क्वेश्चन नंबर इसमें लिख लो 1 और कमेंट जरूर करना, 2/7 के समतुल्य भिन्न क्या होगी। आपके परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उसमें इसको छोड़ा हुआ था। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ये बी नंबर 7/14/49। कैसे? इसमें 7 से गुणा हुआ, इसमें 7 से गुणा हुआ, तो 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा जो हो गया मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न अगर आपको बनाना है तो आप उस भिन्न की असंख्य समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। बस अर्थ करना क्या है, ऊपर यानी कि अंश में किसी भी एक नंबर से गुणा कर दो और नीचे अंश में भी हर में भी उसी नंबर से गुणा करो। तो इसका जो समतुल्य भिन्न होगा वो 4/14 भी हो सकता है। 2/7 की जो समतुल्य भिन्न है अगर आप 3 से गुणा कर दोगे तो 6/21 भी हो सकती है। 2/7 की ही समतुल्य भिन्न अगर आप इसमें 5 से गुणा करोगे तो 10/35 भी हो सकती है। कुछ भी कर दो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 2/7 की जो भिन्न है समतुल्य भिन्न वो 16/56 भी हो सकती है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या गुणा ही करेंगे तभी बनेगा? ना, भाग भी करने पर बनेगा, लेकिन उसी एक ही संख्या से आपको अंश और हर दोनों में भाग करना है। तो जरा गौर करिएगा, 2/7 की समतुल्य भिन्न, इसको नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ना? अगर नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, गुणा करके तो हमने निकाल लिया था, अब हम भाग करके निकालेंगे। अब 2/7 की समतुल्य भिन्न हम क्या करेंगे, भाग करके निकालेंगे। जरा गौर से देखना, इसको हल करो फटाफट, क्या होगा, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, इसे कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अभी बताया था ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गया आपका ये, बाहर बाहर का गुणा कर लो अंदर अंदर का, तो ये हो जाएगा 4/14। आया ना 4/14, क्या किया मैंने तो 2 से भाग किया था, अंश में 2 से भाग किया, हर में 2 से भाग किया, 4/14 आया। इसका एक ऑप्शन और भी था, अभी आपको दिखाया था, ये देखो ना, इसको जब 2 से गुणा किया था तब भी तो वही आया था ना, ये देखो, सॉरी, जब इसको 2 से गुणा किया था तो भी 4/14 आया था। यानी कि 2/7 में अगर हम अंश और हर में 2 से भाग कर रहे हैं तब भी 4/14 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं तब भी आ रहा है। देख लो, आपके सामने है सब कुछ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल आप देख रहे हो पूरा सब कुछ। बात समझ में आई ना? तो ये होती हैं आपकी समतुल्य भिन्न, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक आसान तरीका से और भी बता दें आपको, जैसे 6/9 है ना, इसका अगर आपको कहा जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो चलिए बताते हैं। पहले हम अंश और हर दोनों में 2 से भाग करेंगे, ये देखो मैंने 6 में 2 से भाग कर दिया, अब 9 में भी 2 से भाग करेंगे, तो कर लो, ये बन गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 6 × 12, और ये हो जाएगा 9 × 18। तो एक भिन्न तो आपकी 12/18 बन गई, क्या बन गई, समतुल्य भिन्न एक 12/18 बन गई, और इसको आप 2 से गुणा भी कर दो ऊपर नीचे, तो देखो ये हो गया 12/18। यानी गुणा करने वाला ज़्यादा आसान है, भाग करने वाला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हो। एक छोटा तरीका मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखना, ये अगर एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे तो बहुत लंबा खींचता जाएगा, टेंशन मत लेना कहीं भी और कभी भी। इसका समतुल्य भिन्न ऐसे भी हो सकती है, आप इसे एक एक नंबर को क्या करो, काट दो एक ही नंबर से, 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 7; 2 से काटोगे 36। यानी कि जो इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 7/36 भी हो सकता है। इसके अलावा आप इसे 2 से गुणा कर दो तो 14 × 28 हो जाएगा, 2 × 4 = 14।
28/144 भी इसकी समतुल्य भिन्न हो सकती है, समझ गए ना, कभी नहीं बोलोगे अगर ये क्लास आपने पूरा देख लिया तो। इसीलिए तो कहते हैं कि कंप्लीट गारंटी के साथ ही आपकी ये क्लास होती है। इसके आगे अगर चलें तो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इसको भी देख लेना, देखिए। और हाँ, एक बात और है आपके लिए, आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए, इस क्लास को किसी को भूल कर भी शेयर ना करना। अगर आपने शेयर कर दिया तो आप सोचेंगे हमें मालूम नहीं चलेगा ना, तो फिर आपका जो पेमेंट है आपको दोबारा करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। हो सकता है आप किसी को बेवकूफ़ एक बार बना लें, दो बार बना लें, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपको दोबारा से पे करना हो सकता है। इसलिए किसी को मत भेजना, इसको अपने व्हाट्सएप में रखना, आपने देखना, खुद देखना। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसे बोलते हैं समान व असमान भिन्न। जैसे हमने लिखा पहले लाइक के बारे में, देखिएगा समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन 7/11, 8/11, 72/11, 121/11, 110/11। यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये क्या है लाइक फ्रैक्शन, मतलब कहने का ये है कि जिसके जो हर हैं वो एक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसके अलावा जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उसमें कुछ भी हो सकते हैं, ये लो, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। तो बस इतना सा ही अंतर होता है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और आप पक्का समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद के साथ कि आप समझ गए। कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना तुरंत, बात समझ में आई ना। तो ये था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। मित्रों अगर आप संतुष्ट हैं क्लास से तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आपने क्लास को तो ज्वाइन पहले से कर लिया है तभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें PVR स्टडी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ आगे कर सकें। तो आपको कुछ बताना नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आपने फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो PVR स्टडी आप सर्च करके फेसबुक पर लाइक कर देंगे और हमें फॉलो कर लेंगे वहाँ पर। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप फटाफट यूट्यूब पर जाएंगे, PVR स्टडी इलाहाबाद, PVR स्टडी ग्रुप और मैथ आसान है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक ऐसे घंटी का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन आता है। एक ऐसा आता है ऊपर फटी घंटी रहती है, लिखा रहता है आल नोटिफिकेशन, नीचे रहता है पर्सनलाइज्ड, उसके नीचे रहता है नॉन ऑफ दीज। आपको इस पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा हमने ज्वाइन किया तो हम क्यों करें। अगर आपने ज्वाइन किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं ऑन किया है तो हो सकता है आपको बहुत सारी क्लासें ना मिल सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए भी, इतना ही। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आपने ज्वाइन किया और हमें इतना आगे बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया।